हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काज बनाना बताऊंगा हाथ से, क्योंकि ज़्यादातर मशीन से बनते हैं ये काज। मैं क्यों बता रहा हूँ आप ये भी देख समझ लीजिए। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं ब्लाउज के अंदर वो हुक नहीं पहनना चाहती, वो चाहती हैं कि उसमें बटन और काज बन जाए। तो दोस्तों, काज बनाना आपको आना चाहिए। किस तरीके से काज बनेंगे इसमें मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, आप इसे पूरा देखें तो एक बार में आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने धागा लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा सिंगल धागा है। अब हम इसे डबल कर लेंगे। ये देखिए, बंद वाली साइड मेरी इस तरफ है। थोड़ा थोड़ा धागा डालें, ज़्यादा आपको धागा नहीं डालना। और यहाँ पर हम इसे कट करके जो है सुई में डाल लेंगे धागे को। और मैं वाइट कपड़े पे ग्रीन काज इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप फिनिशिंग देख पाएंगे कि काज बनने का फिनिशिंग कैसी दिखती है। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा है, ये जिस जगह पे आप बनाना चाह रहे हो काज, वो आपको देखना होगा। मैं कपड़े पे आपको दिखा रहा हूँ। तो कोई भी जगह पे आप काज बना रहे हो तो उसे आप अच्छी तरह निशान लगा के ऐसे कर लें। और याद रखें, पहले बटन लगाएं, क्योंकि बटन के हिसाब से काज होता है। तो आपको यहाँ पर कट लगाना है इस तरीके से। मैं यहाँ पर एक पैर का कट लगा रहा हूँ। खोलने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा आधा इंच, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बटन में डाल के देख लेना है कि इतना ओके है या नहीं। अगर छोटा होता है तो कैंची की मदद से देख लें किस जगह पे गैपिंग सही आ रही है, उस जगह पे कट लगा लें। तो मैं इतने में ही आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सुई में धागा डाला है तो मैंने बंद वाली जगह जो है देखिए नीचे की तरफ रखी है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इस तरीके से सुई में देखिए बहुत बारीकी का काम है, तो ये आपको आना चाहिए। अब ये देखिए, आपको सुई इस तरीके से लेके यहाँ पर ऐसे डालेंगे। यहाँ पे लाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इसमें सुई ऐसे डाल के इसको ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे गांठ भी नहीं लगेगी और अच्छी तरीके से बंध जाएगा। अब इस जगह पे देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इतनी इतनी जगह पर, ठीक है, इसको ऐसे लेना है। धागे को हमें यूँ लेके जाना है ऐसे करके, ठीक है, एक बार ऐसे लेके और इसको ऐसे खींच देंगे। और याद रखें, धागा ज़्यादा बड़ा ना लें, अगर उलझेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर इसको बिल्कुल बराबर से टाँके के, ये जो टाँका है इसके बराबर से देखिए ऐसे लेना है, ठीक है। फिर इसको उसी तरीके से ऐसे घुमा लेना है, फिर इसे खींच लेना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको सारे टाँके जो है ऐसे लेना है। मैं आपको पूरा काज बना के दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। टाइम तो दोस्तों इसमें लगता है क्योंकि अपना लेडीज़ काम है, लेकिन कभी कभी अगर आपको बनाना पड़ जाता है ब्लाउज़ में, तो ये काज जो है वो आने चाहिए आपको इस तरीके से। तो कभी कभी मेरे यहाँ पर आते हैं ब्लाउज़, तो मैं इसी तरीके से काज बनाता हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी सफाई से दोस्तों ये, और ये देखिए मेरा थोड़ा उलझ गया ना। अगर आपका इस तरीके से उलझता है, ठीक है, तो ये आपका काज यहाँ ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। आपको धागा इतना ही डालना है कि यहाँ पे उलझना नहीं चाहिए। और आपको गैपिंग मैंने करी है ना टाँकों में, आपको गैपिंग नहीं करनी। जितना करीब से आप लेंगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी। अब देखिए मैं इस जगह पे थोड़ी गैपिंग से ले रहा हूँ, दूसरी तरफ बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा तो आप खुद देख लेंगे कि कहाँ पर अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, जो भी धागे वगैरह हैं ये नहीं निकलेंगे और यहाँ पे हमारा काज बनके तैयार हो जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों कई जगह ऐसी होती हैं अगर जहाँ पे मशीन वाले की दुकान भी नहीं होती, ठीक है, मतलब कि जो काज बनाता है मशीन से उसकी दुकान नहीं होती, तो इस तरीके से आप काज बना सकते हो। आप देखें बिल्कुल ऐसे ही करके जाना, बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ तक तो मैंने बना दिया, ये मैंने थोड़ी गैपिंग पे बनाया, आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी घने करके बनाता हूँ, ठीक है, उसमें आप देखना कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसको ऐसे रखेंगे हम, और यहाँ पर इसको ऐसे डाल के इसको इस तरीके से दोस्तों खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल बराबर से टाँके के हम लेते हुए जाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देंगे। हाथ मेरे देखो, यहाँ पर थोड़ी सुई कट जैसी ऊपर आती है, इसको ऐसे लेके जाता हूँ मैं धागे को और इस तरीके से दोस्तों कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। ये हमारा काज पूरा बनके तैयार हो रहा है धीरे धीरे। इसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा आपका, लेकिन आराम से आप दोस्तों इसे बना सकते हो अपने घर पर ही। अगर आप भूल भी जाएं तो इस तरीके से टाँका ले सकते हैं, कभी कभी, यानी कि हर बार में। ये देखिए इस तरीके से, अब देखिए जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये देखिए इस जगह पर हमने थोड़ा घना बनाया था, इधर थोड़ा हल्का हल्का बनाया था, वैसे करके दूर पीछे से देखिए हम, कोई भी धागा नहीं निकलेगा, ओके हो चुका है। लेकिन अब इधर करना क्या है आपको, अब इधर देखिए, क्योंकि मैं तो ग्रीन धागे से बना रहा हूँ, आप वाइट धागे से बनाएंगे तो हमें इस तरीके से करना है।
फिर इधर वाली जगह पर बिल्कुल बराबर से सुई को ऐसे निकालना है, फिर इधर वाली सुई को फिर नीचे की तरफ ऐसे करके निकाल देना है, इधर वाली सुई को फिर इस तरीके से ऐसे निकाल देना है, मतलब बराबर बराबर से आपको ये निकाल देना है। और वाइट कलर के धागे से आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कुछ पक्का नहीं करना आपको, बस ऐसे ही 5-6 बार ऐसे करके निकाल दें। इससे क्या होगा, यहाँ गांठी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब जैसे कि फाइनल आप निकालने के बाद यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे, तो ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर कांच बन के रेडी है। ये देखिए इस तरीके से आपका काज बन जाता है, जो हमारी शर्ट में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ब्लाउज में अगर कोई भी लेडीज़ मांगती है तो आप बटन लगा के बाद में काज बनाएं, तो बहुत आसानी से दोस्तों आप घर पे इस वीडियो को देख के काज बना सकते हो। तो ग्रीन धागा मैंने इसलिए डाला जिससे कि आप देख पाओगे, और बैक साइड से देखिए ये धागा है, आप इसे यहाँ पर इसे कटिंग कर लीजिए बिल्कुल बराबर से, फिनिशिंग दिखेगी आपको बैक साइड में भी। और ये देख सकते हैं कोई धागा किसी तरीके का नहीं है, छोटा मोटा अगर कोई धागा होता है तो उसे आप कटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से काज अपने घर पे बैठ के बना सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।